यार फातिमा, हम कोई पहचाने तो नहीं जाएंगे जब हम चोरी करके गाड़ी लेके जाएंगे? अबे नहीं पहचाने जाएगा, तू बिल्कुल चप्पल सिलाई वाला लग रहा है और ये तो बिल्कुल पहचान ही नहीं पा रहा। अपना मुंह छुपा ऐसे करके बस ऐसे ही रहियो तू। गाड़ी रिवर्स आ रही है, रिवर्स आ रही है। मतलब हम लोग यही थे और ये क्या सीन हुआ समझ नहीं आ रहा यार। ये कौन है, ये बंदा कौन है ये समझ नहीं आ रहा कि ये कौन है। अच्छा खासा हेल्दी बंदा लग रहा है। रिवर्स आ रही है गाड़ी, रिवर्स आ रही है यार, ये क्या सीन? अरे एक मिनट, इसमें तो आप है ही नहीं कहीं। गाड़ी चली गई यार। गाड़ी तो चली गई और इतनी स्पीड से। ओए ये भाई 6:30 बजे का टाइम आ रहा है यार, ये 6:30 बजे का टाइम आ रहा है। ओहो यार ये बड़ी टेंशन हो गई यार, ये क्या करेंगे। सो भाई टेंशन नहीं ले, सब हो जाएगा। आपने कोई ट्रैकर श्रैकर कुछ लगाया अपनी गाड़ी? हाँ, मैं इसको चेक करता हूँ जरा यार, गाड़ी बंद करवानी पड़ेगी यार। अब देख के जो करना है सोच समझ के करना है भाई, फटाफट यार। तो भाई क्या पुलिस को कॉल कर रहे हैं? अरे यार ब्लॉक तो बंद करो ना यार, ब्लॉक टेंशन चल रही है यहाँ पे यार, ब्लॉक कर रहे हो। अच्छा मुझे हाँ यार बताएं यार जल्दी फटाफट, ठीक है वेट करो। आज मैं करने वाला हूँ मुस्तफा भाई के साथ प्रैंक। मुस्तफा भाई के साथ आज तक किसी ने प्रैंक किया तो नहीं, लेकिन फात भाई करेगा। अबे यार फात भाई, मुस्तफा भाई तो इतने शरीफ हैं यार, उनको तो छोड़ दो। अबे तू वहाँ कहाँ खड़े होकर बकवास कर रहा है, इधर आके बात करना। मुस्तफा भाई कितने अच्छे बंदे हैं यार फात भाई, देखो तो सही आप, वो दाढ़ी इतनी बड़ी उनकी, वो इतने अच्छे व्लॉग बनाते, मुझे तो सबसे फेवरेट यूट्यूबर वही लगते हैं। लेकिन मुस्तफा भाई के साथ किसी ने प्रैंक किया नहीं ना, मेरे को सुकून नहीं मिल रहा। जब तक के मुस्तफा भाई के साथ प्रैंक नहीं करूँगा ना, मुझे मजा नहीं आएगा। आज तो हाथों में खुजली हो रही है, आज मुस्तफा भाई बहुत ज्यादा खुश होंगे। आज है मुस्तफा भाई की शॉप की ओपनिंग, वीआईपी पॉप्सिकल्स दूसरी बन रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उनकी वीआईपी पॉप्सिकल्स के साथ कुछ किया जाए। वीआईपी पॉप्सिकल्स पे तो रश होगा, हाँ ना। कोई ऐसा प्रैंक करना पड़ेगा मुस्तफा भाई के साथ कि उनकी हालत खराब हो जाए और पता भी ना चले। मुस्तफा भाई बोले मैं कहाँ से मारूं। अबे यार बात भाई मेरा सर पड़ दिया यार आपने। क्या हुआ तेरे सर को? अबे इतना छेद हो गया, इतना बड़ा सुराख हो गया, आवाज आ रही है। ये देखो कुछ मुस्तफा भाई के साथ ऐसा कांड करना पड़ेगा कि उनकी हालत खराब हो जाए। लेकिन क्या ऐसा करूंगा यार, अब मैं तो कह रहा हूं पॉप्सिकल फाड़ देते फात भाई। लेकिन मुस्तफा भाई के पास कौन सी ऐसी कीमती चीज है जिसको हम उसके साथ कांड कर सकें और उसको हम प्रैंक में शामिल कर सकें? अबे फात भाई मैं तो कह रहा हूँ मुस्तफा भाई की जो पॉप्सिकल है ना, वो हम लोग ना चोरी कर लेते हैं, सही है। जितनी भी आइसक्रीम ना सारी ट्रक के अंदर लोड करके हम लोग आगे ले जाते हैं, सही है। वहाँ पे फिर हम लोग अपनी शॉप खोल लेंगे, वहाँ पे फिर हम अपना कॉन्टेंट बनाएंगे, सही है। मैं तो कह रहा हूँ ये कर लेते फात भाई, और ये बेस्ट भी रहेगा। क्या हो गया, इतने परेशान क्यों हो रहे हो फात भाई, बोलो तो सही कुछ बोल। अबे यार तू लंबी बहुत करता है, हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि मुस्तफा भाई सोच के ही दंग हो जाए कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। फात भाई जैसे आपके पास वाली बाइक है वैसे मुस्तफा भाई के पास कोई ऐसी बाइक है, वो चोरी कर लेते हैं। मैं तो कह रहा हूँ मुस्तफा भाई के पास बाइक तो नहीं है, हाँ। लेकिन उनके पास बाइक से भी ज्यादा अच्छी चीज है। क्या चीज है बताओ? उनकी रीवो। फात भाई क्या आइडिया, अबे उनकी रीवो जेब में डाल के ले जाते हैं। अबे पागल हो गया, जेब में थोड़ी आएगी, इतनी बड़ी गाड़ी है, अब क्या करें। लेकिन कुछ सोचना पड़ेगा। वैसे फात भाई आइडिया बुरा नहीं है, रीवो भी चला लेंगे और रीवो के साथ साथ बोलेंगे चल बेटा मोबाइल निकाल। अबे तू इस गन से छीनेगा मुस्तफा भाई से? आइडिया तो हमें बहुत कोई जबरदस्त आया है, मतलब आज मुस्तफा भाई की रीवो चोरी होने वाली है। अबे मुस्तफा भाई कहाँ रहेगा यार? अबे हाँ यार फात भाई कॉल तो करो उनको। अबे कॉल की है मैंने, कब आएंगे अपने रीवो डाले में, आए नहीं अभी तक। अबे यार फात भाई उनको कॉल तो करो यार। ओए आ गए मुस्तफा भाई, आ गए। ओ भाई कहीं डाले से ही ना उड़ा यार फात भाई, भरम ही अलग है भाई मुस्तफा भाई का तो। जियो मुस्तफा भाई कहाँ गए? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी कहाँ गए यार? असल में वो शॉप की ओपनिंग थी ना, ये भी उसी में लगे हुए। तो मतलब मुझे तो लेके चले आपने ओपनिंग का? सारे दोस्तों को भी बुलाया है ना, बस चलते हैं ना, वहीं की तैयारी है। बस चले चले फिर, बस आ जाओ बस, ठीक है। वैसे गाइस मुस्तफा भाई की रीवो तो बड़ी टाइट है, मुस्तफा भाई अंदर बैठ चुके हैं। आ जाना जल्दी, आ जाना, बैठ पीछे। बिस्मिल्लाह। मुस्तफा भाई आपने शॉप कहाँ पे ओपन की है वैसे? यार हैदरी पे। गाड़ी तो फुल चिल हो रही है, गर्मी की फीलिंग ही नहीं आ रही, इतनी अच्छी गाड़ी है यार मुस्तफा भाई आपकी तो। अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफा भाई वैसे ये गाड़ी का मॉडल और ये मतलब कौन सा है ये रीवो इतनी बड़ी खतरनाक? 2020 की रेवो है। तो 2020 की रेवो तो मैंने देखी है, हाँ। मगर इतनी ऊंची नहीं देखी, जमीन तो दिखी नहीं रही इसमें। यार असल में ये आफ्टर मार्केट इसके अंदर काम किया हुआ है ना सारा, इसके सस्पेंशन वगैरह जो है वो चेंज कराए हुए, ठीक है। अच्छा। इसको अपलिफ्ट कराया हुआ है, इसके टायर वगैरह सारे जो है वो आफ्टर मार्केट चेंज कराए हुए, मतलब फुल वीआईपी सेटअप किया हुआ है। अच्छा, फुल खर्चा वर्चा किया हुआ है। हां जी बिल्कुल। मतलब टोटल कितने तक की होगी ये गाड़ी? बस ये नहीं पूछे, दबा दें बात को ये। अच्छा ये सही है।
वैसे मुस्तफा भाई आपने ये गाड़ी रखी हुई है तो अपने लिए कोई सिक्योरिटी विक्योरिटी नहीं रखी हुई? मतलब इतनी खतरनाक, इतनी महंगी गाड़ी, फुल VIP सेटअप वाली गाड़ी रखी हुई है आपने, तो फिर अगर ये चोरी वोरी हो गई तो आप उसके साथ क्या करेंगे? बस मैंने क्या करना है, यहाँ से निकालना है, बाकी आपने बचा दे। खतरनाक गाड़ी में चला दे, हम लोग बिल्कुल अलग लग रहे हैं। नून तो भाई पीछे बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर और सामने मुस्तफा भाई ने गार्ड भी खड़ा किया हुआ है। फिर तो हम वो प्रैंक कर भी नहीं सकते यार। फादर इनको शक वक न हो जाए, यही तो मैं सोच रहा हूँ। और बिल्कुल हमें ना होशियारी से काम लेना पड़ेगा, वरना इनको पता चल जाएगा। पता चल जाएगा, चलो अंदर तो चल के देखें जरा। VIP पॉप्सिकल ट्राई तो करें जरा। माशाल्लाह न्यू शॉप फुल चमकती हुई। बिस्मिल्लाह। VIP पॉप्सिकल्स। अबे ये क्या कर रहा है? मुस्तफा भाई आ रहे हैं अभी, फिर उनकी गाड़ी की चाबी हमें चाहिए। और फात भाई बिल्कुल होशियारी से करेंगे, कोई हल्का सा भी उनको पता भी ना चले। अच्छा ना, अभी पॉप्सिकल तो खाने के लंबी कर रहा है। हाय सब, इतनी सॉरी VIP पॉप्सिकल्स। यार मुस्तफा भाई की दुकान में तो बड़ा रश हो रहा है, इसका मतलब बहुत मजे की है। यार ये वाली मुझे भी निकाल के दें, देखूँ तो सही खा के कैसी है। यार भाई साहब, इसका नाम है ब्लैक करंट। इसको खा के क्या करंट लगता है क्या? चलो गाइस ब्लैक करंट हम निकाल के खा के चेक करते हैं कैसी है। दे मुझे तो थोड़ी करने दे मेरे को। चलहट गरीब। VIP पॉप्सिकल टोटल 21 फ्लेवर हैं और तुझे एक भी नसीब नहीं है। चलहट गरीब। यार फात भाई दे दो, एक कोई सा भी दिला दो। कितना किया भाई? 160। 160 रुपए है ना भैया जेब में आएंगे। अबे यार शिट, चल ये ले खा ले यार। यार फात भाई यार बंदर एक आइसक्रीम दे दे ब्लूबेरी में। सही। क्या हो गया भाई, आपने किस तरीके का रखा है वो वेटर? माशाल्लाह, ये आइसक्रीम देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये वाली इतने मजे की है, हमने तो अभी एक ट्राई की है, सारी की सारी ट्राई करेंगे, टेंशन नहीं लो। यार फाद भाई सीरियस बता रहा हूँ, थोड़ी सी तो बहुत दिल चाह रहा है। रुक जा देता हूँ। ये ले भाई तेरी आइसक्रीम, ये ले। अबे यार फाद भाई ये क्या दे रहे हो? अभी यही तो आइसक्रीम है, ये नया फ्लेवर है। यहाँ पर तो कोन वगैरह भी मिल रही है VIP पॉप्सिकल के साथ साथ कोन। और ये चेक करो गाइस, यहाँ तो इतनी सारी बंटीज भी मिल रही हैं। ये बंटीज क्यों रखी हुई हैं यार आपने इतनी सारी? टॉपिंग के लिए। यार इसको दे ही देते हैं यार। ये ले यार, तू भी क्या याद रखेगा, ये खा। अभी उनके हाथ से लेके मैंने तेरे को दी है, खा यार। मुस्तफा भाई का फैन मूवमेंट खत्म हो गया, फाइनली मुस्तफा भाई भी अंदर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा भाई, क्या हाल है? कैसी शॉप खोली है मैंने, आप बताएं? अच्छा सॉरी, मतलब आपने खोली। कैसी लगी आपको? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही कोई माशाल्लाह, बहुत कोई आला। हमने मगर अभी तक आइसक्रीम नहीं खाई। अभी आपको ट्राई कराएंगे ना यार, ऐसी क्या बात कर दिया आपने। भजन साहब हमने एक सेटअप कराया, VIP सेटअप कराया, एक भी आइसक्रीम नहीं खाई हमने, एक भी। ज़्यादा खिलाए हैं तो सही, एक से ज़्यादा खाएंगे बस, ठीक हो गया। आइसक्रीम तो खाते रहेंगे, ब्रांड का कैसी है? सबर तो करो मुस्तफा भाई, दिमाग भटकाना है, उसके बाद फिर आइसक्रीम खाते के साथ साथ हमें बस जल्दी जल्दी करें, सही जल्दी जल्दी खाएँ, फिर उसके बाद चाबी तो खानी चाबी खाएंगे फात भाई। अच्छा थोड़ी सी खिला दी, अच्छा ये वाली वाली तो खिला दी यार फात भाई, चल तू भी खा ली। मुस्तफा भाई का फैन मूवमेंट चल रहा है माशाल्लाह से। और मुस्तफा भाई फुल सेल्फियां अल्फियां खिंचवा रहे हैं। आइसक्रीम खाने में लगा हुआ है, तेरी अस्सी की तस्सी। अभी फैन मूवमेंट चल रहा है मुस्तफा भाई का, अभी काम करने में फायदा होगा। तू आइसक्रीम खा वहाँ खड़ा हो गया बस, सही है।
भैया आपने ट्राई किए सारे फ्लेवर्स? 21 फ्लेवर्स हैं पॉप्सिकल्स के, सही ना? फ्लेवर इसके अलावा 15 फ्लेवर्स जो है वो डेयरी के हैं, सारे ट्राई करें भाई, जितने करने आप करें। और सबका टेस्ट अलग अलग है, वीआईपी है सबका, एक से बढ़ के एक है। बस ठीक है, सबका टेस्ट ट्राई करते हैं, मतलब आप कुछ निकाल के देना अपने मुबारक हाथों से। मैं ट्राई करूंगा। बस ठीक हो गया, बस ठीक हो गया। बस ठीक है, आप निकाल के दे। ये कौन सा फ्लेवर है? ये पीच आ गया, पीच फ्लेवर। ओए होए, और वीआईपी पॉप्सिकल्स। अभी तक हम लोगों ने 3-4 फ्लेवर ट्राई कर लिए, सारे अलग अलग टेस्ट हैं। वरना पॉप्सिकल में मैंने सुना सबके टेस्ट एक जैसे होते हो। ये वाला खोल के देखते हैं। चलो गाइस, ये वाला फ्लेवर चेक करते हैं खा के। ये तो फंस गई। वीआईपी पॉप्सिकल। तो वो भाई हमारे पीछे खड़े हैं और उनको ना हमें ऐसा शो कराना है, हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो खाने हैं। ऐसे ही करना है ताकि हल्का सा भी शक ना हो। अगर पता चल गया ना हमारी वॉट लगा देगा उनके, जो बाहर गार्ड खड़ा हुआ ना वो हमें फायरिंग से मार देगा। यार भाई साहब, मुस्तफा भाई के इतने छोटे छोटे से फैंस हैं और सब आइसक्रीम खा रहे हैं, जरा हम इनकी ऐसे लूट के देखते हैं। खा के खा लूँ तो मना भी करते फिर भी खा लेगा, बदमाश हूँ मैं। आइसक्रीम टेस्ट करना फ्री होता है ना, मतलब जितना टेस्ट करो। अबे फादे मुंह कट जाएगा, क्या कर रही है? अरे इतने मजे किए, चमचा भी खा लोगे। चम्मच भी खा लिया। मुस्तफा भाई अंदर है, अपने फैंस के साथ मीटअप कर रहे हैं, जो कर सकते हैं अभी कर सकते हैं। आ जाओ जल्दी, उड़े अभी ये घुसते। चाचा जल्दी से जाओ ना, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। अबे इतने बड़े बड़े टायर हैं, इसको लेके कैसे जाएंगे? और चाबी तो दे तू मेरे को। अबे चाबी तो दे, ये लो। इसका दरवाजा तो इससे खुल जाता है, मगर ये स्टार्ट कैसे होती है? आज अंदर चलते हैं फिर देखते हैं कैसे स्टार्ट होती है। जल्दी आ, जल्दी आ। चलो फात भाई ये मुझे दे, ये ले। अभी देखते हैं गाइस कि स्टार्ट कैसे होती है। यार चाबी तो अपने पास है, मगर इसको स्टार्ट कैसे करें? अबे यार फात भाई मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है कि स्टार्ट कैसे होगी, बहुत बड़ी गाड़ी है तो। अबे मुझे भी टेंशन हो रही है, अबे मुझे लग रहा है इसका कोई इधर बटन वटन है उससे स्टार्ट होगी। और फात भाई इसके अंदर, अभी एक मिनट ना, ये कहीं घुसता होगा, इसको कहीं घुसाते होंगे। अबे लेकिन कहाँ घुसाते हैं इसको? तो भाई अबे नहीं ना, ये तो अपना कैमरा मैन है, बैठ ना पीछे, पीछे बैठ, दरवाजा तो बंद कर। अभी हमें इसको चुराना है यार, इसको स्टार्ट करने का तरीका पता है तेरे को? हाँ किक मारो ना, किक किक मारनी है, किक मारनी है। अबे नहीं नहीं, अबे ये कोई तेरी 70 बाइक थोड़ी है जो किक मार के स्टार्ट हो जाएगी। एक काम करते हैं, इसको धक्का लगा के स्टार्ट कर लेते हैं। फात भाई पागल हो गया है क्या? अबे इसको धक्का लगा के हम स्टार्ट कर ही नहीं सकते, इतना बड़ा जे नहीं है। हाँ वैसे ये बात तो है, हम लोग जितना भी धक्के लगा दें स्टार्ट तो होगी नहीं। नहीं यार धक्के से स्टार्ट नहीं होगी, इसका कोई ऐसी जगह होगी जिसके अंदर ये घुसती होगी फिर ये स्टार्ट हो जाती होगी। सबर मैं चेक करता हूँ। अबे ये भी नहीं हिल रहा यार, ये भी लॉक है। अबे मेरे काम करते फात भाई, इसको जेब में डालो और लेके निकलते हैं फात भाई फिर। अबे ये इतनी बड़ी जेब में आएगी कैसे? फात भाई मैं तो इसको कहता हूँ आपकी इतनी बॉडी है, इसको एक हाथ में उठा के लेके जाते हैं ना। अबे फालतू बातें मत कर, सही है ना, समझा दादा? फालतू बातें मत कर, चुप रही है ना दादा? फालतू बातें मत कर, मैं तो क्या बोला, वीडियो के दौरान मत बोला कर बीच में कुछ भी दादा, फालतू मत बोला कर, तेरे को हर वक्त। अबे तुम लोग चुप हो जाओ यार, खुदा का वास्ता है हमें गाड़ी चुरानी है, तुम लोग की पंचायतें खत्म नहीं हो रही यार। देखो इसका एक दरवाजा भी खुला हुआ है लेकिन सारे दरवाजे बंद है। अबे तेरा दरवाजा सही से बंद नहीं है यार। अबे जा गेट खोल, देख कोई आया है क्या? मुस्तफा भाई आए। अबे इसका कोई बटन होगा उससे स्टार्ट हो जाएगी यार। अबे यार फात भाई मेरी बात सुनो, इसको ना स्टीयरिंग ऐसे जोर से खींचो फिर शायद चल जाए। अबे कोई जहाज थोड़ी है, जहाज को ऐसे खींचते हैं वो ऐसे उड़ता है, तो पागल हो गया क्या? अबे तो ये भी तो जहाज जैसा इतना बड़ा सेटअप लगाया हुआ है। सबर कर यार, मैं कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो है ऐसा। स्टार्ट हो गई, मैंने ये वाला बटन दबाया और स्टार्ट हो गई। ये देखो इधर गाइस लिखा है इंजन स्टार्ट स्टॉप, फाइनली गाड़ी तो स्टार्ट हो गई, बस जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। अबे मगर इतनी बड़ी गाड़ी मैंने कभी चलाई नहीं है, कैसे चलाऊंगा इसको? गाड़ी का इंजन स्टार्ट तो हो गया मगर इतना खुश मत हो, इसको अभी बंद करता हूँ यहाँ से और अभी हमें गेटअप चेंज करके लेके जाना पड़ेगा। अगर मुस्तफा भाई ने कैमराज में देख लिया ना और हम पकड़े गए फिर दी एंड हो जाएगा। जल्दी से बाहर आ, गेटअप चेंज कर। गेटअप कैसे चेंज करेंगे? जल्दी से आ, मेरे पास सामान है सारा। अभी तुम लोग बिल्कुल अपना मुंह बंद रखना, अगर तुम लोगों ने से कुछ बोला ना मुस्तफा भाई को, कुछ पता चला, हम लोग मुस्तफा भाई की गाड़ी स्टार्ट करने वाले, पता लगा ना किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, एक एक करके सबको थस थस कर दूंगा, समझ गए? बस अभी स्टार्ट हो जाओ यहाँ से पहली फुर्सत, अभी स्टार्ट हो जाओ, समझा करो। वालेकुम अस्सलाम, जल्दी से भाग जाओ बस। अब
ये सामने वाली बिल्डिंग में कैमरा लगाया हुआ है, इनको पता लग गया ना पंचायत हो जाएगी, जल्दी चलो ना। अबे वो बिल्डिंग थोड़ी है, वो तो ट्री है भाई। अबे ट्री नहीं है, बिल्डिंग है, जल्दी चल कपड़े चेंज करने यार। चलो गाइस जल्दी से हमें गेटअप चेंज करना है, वरना मुस्तफा भाई ने कहीं कैमरे वैमरे में हमें देख लिया ना गाड़ी चुराते हुए, कांड हो जाएगा, बहुत मुश्किल होगी। जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं। फाइनली गाइस हम लोगों ने गेटअप चेंज कर लिए। अबे तुझे क्या हो गया? अबे फादर आपके कैमरामैन को क्या हो गया फादर? इसका सर कहाँ गया? अबे अब तो वीडियो भी नहीं बना सकता ये। ओए इसने शलवार पहनी हुई है, वो ये नाड़ा कहाँ से आया? अबे फादर यहाँ से मुंह निकाल, इधर से फाड़ शलवार को यहाँ से। हाँ बस सही है। अभी ये कैसा गेटअप कर लिया तूने? अचानक शलवार आ गई। चल खैर है कोई बात नहीं, हम अभी गुस्सा हो भाई की गाड़ी चोरी कर लेते हैं जल्दी से। क्या करना है क्या करना है, पिक्चर कैसी नहीं है? चल 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 चल। हालात बहुत खराब है, अच्छे बुरे का किसी को तमीज नहीं। सही बात है, मेरा बेटा नाराज नहीं होना, मेरे आप बच्चे हो, मेरे जैसे भी मेरे भाई हो, ये जो कोई किसी का क्या भरोसा है? तो कुत्ती के बच्चे जो है पुलिस वाले, वो तो सच में, वो तो सच में मरेंगे यार। फादर भाई हम कोई पहचाने तो नहीं जाएंगे जब हम चोरी करके गाड़ी लेके जाएंगे? अबे नहीं पहचाने जाएगा, तू बिल्कुल चप्पल सिलाई वाला लग रहा है, और ये तो बिल्कुल पहचान ही नहीं पा रहा, अपना मुंह छुपा ऐसे करके, ऐसे करके बस ऐसे ही रही हो तू। चलो यार हम फाइनली मुंह छुपाते छुपाते गाड़ी के अंदर तो आ चुके हैं, स्टार्ट करते हैं बस, निकलते हैं यहाँ से। स्टार्ट हो गई है फाइनली, और एसी भी चल गया है। चलो गाइस बस हम मुस्तफा भाई के बड़े से डाले को छुपाना है। अबे मगर इसको छुपाएंगे कहाँ यार, डी पे डाल दिया है, अब चलते हैं। अभी फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ इतना बड़ा डाला। चलो गाइस चलते हैं, लेकिन कहाँ छुपाऊंगा इसको? छुपा दूंगा, खैर है कोई टेंशन नहीं है, इस वाली गली से लेके ना आगे कहीं छुपा देता हूँ, थोड़ा दूर लेके जाना पड़ेगा कि मुस्तफा भाई को शक ही ना हो, पता ही ना चले कहाँ गायब हो गया। अबे वापस कैसे आएंगे यार? अबे आ जाएंगे फात भाई, टेंशन मत लो, पैदल आ जाएंगे। बस ठीक है ठीक है, चलो भाई यहाँ से लेते हैं इस वाली गली के अंदर, और फिर दूर लेके चले जाते हैं इसको। अबे फात भाई देख के कोई बच्चा बच्चा नीचे ना आ जाए, या कोई कुत्ते का बच्चा नीचे ना आ जाए फात भाई, मतलब पप्पी का बच्चा, सॉरी। फाइनली गाइस ये जगह बिल्कुल बेस्ट है मुस्तफा भाई की रिवो छुपाने के लिए। यहाँ आसपास देखो बिल्कुल सन्नाटा है, कोई अरूबरू कोई करीब नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो बस बाइक वाले जा रहे हैं और रक्षे वाले आ रहे हैं, किसी को इतना पता भी नहीं चलेगा ये किसकी गाड़ी है। और उनकी शॉप भी इतनी दूर है, मतलब 5-6-7 गलियाँ दूर है, बहुत दूर है। आ जाओ बस अब चलते हैं, पैदल पैदल जाना पड़ेगा हमें। अबे तूने अभी तक शलवार क्यों नहीं उतारी? इसको उतार के फेंक, किसी को शक हो जाएगा कैमरे में हम नजर आए उसमें चुराते हुए। इसको बस फेंक दे, और तू भी इसको फेंक उठा के, अब इसका कोई काम नहीं है इन कपड़ों का। आ जाओ बस चलो, मुस्तफा भाई की शॉप पे जाना है बस अब हमें। हेलो ना जल्दी जल्दी चलो, कहीं मुस्तफा भाई को शक ना हो जाए। अगर उन्होंने पकड़ लिया कि मेरी गाड़ी किधर है और ये तीनों किधर है, फिर तो पक्का शक हो जाएगा उनको। चलो चलो जल्दी चलो, मगरिब हो गई है, अब तक तो पता नहीं वो परेशान हो चुके होंगे। लेकिन मेरी गाड़ी है किधर? लेकिन फातिमा मेरी बात सुना, आपने गाड़ी तो सेव करके रखी है ना यार, चले आपको 90 लाख रुपए की गाड़ी है वो, और 90 लाख रुपए आपको भरने पड़ जाएंगे। 90 लाख की नहीं है, नया मॉडल है, 1,20,00,000 रुपए का है, फट जाएगी फात भाई। वही मुस्तफा भाई वो खड़े सामने, मुस्तफा भाई फैंस वगैरह से मिल रहे, मुझे लग रहा है मुस्तफा भाई को अभी तक नहीं पता चला, अभी तक नहीं पता चला, उनको पता ही नहीं है कि हमारे पास चाबी है उनकी और हमने छुपा दी है। कहाँ चले गए थे आप लोग यार? अरे मुस्तफा भाई बस वो आगे गए थे जरा ना मॉल वॉल में देखने गए थे आपके शॉप के आसपास कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। यार आपने वो फ्लेवर्स तो खाई नहीं जो मैं आपको बोल रहा था यार। कौन से वाले फ्लेवर? अरे आए ना मैं खिलाता हूँ। चलो चलो मुस्तफा भाई को तो पता ही नहीं। मुस्तफा भाई कौन से फ्लेवर्स? रेड वेलवेट। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत मजे का, इससे ज्यादा अच्छा लगेगा, बहुत मजे का लगेगा भाई। रेड वेलवेट खिलाएं मुस्तफा, इतनी खुशी हो रही होगी आपने नई नई शॉप ओपन की है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ऐसी खुश रखे। आमीन। भाई सब हमारी रेड वेलवेट निकल रही है, रेड वेलवेट भी खा के चक्कर दें। मुस्तफा भाई आपकी सबसे फेवरेट यही वाली है यार, कह सकते हैं कि डेयरी के अंदर जो है ना वन ऑफ द फेवरेट। खा के देखते हैं। बस घर छोड़ दें हम लोग, आपकी गाड़ी में आए ना हम लोग। चलो चलो जल्दी चलो, मुस्तफा भाई हमें घर छोड़ रहे हैं। वैसे एक बात बोलूं, मुस्तफा भाई को पता ही नहीं है। चुप हो जा, अभी कुछ भी नहीं बोलना भाई। ये तो मुस्तफा भाई जैसा डाला लग रहा है, लेकिन ये नहीं है ना फात भाई, मुस्तफा भाई ने थोड़ी आगे करके खड़ी की है ना गाड़ी। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो मुस्तफा भाई फुल टेंशन में लग रहे हैं, क्या सीन है यार? गाड़ी यहीं खड़ी है यार। हैं गाड़ी कहाँ? चाबी आपके पास है? चाबी भी जेब में ही थी यार। क्या हुआ, खैर हो गई?
चाबी भी नहीं है यार, समझ नहीं आ रहा चाबी कहाँ गई। यही थी यार गाड़ी। क्या हो गया मुझसे, कहीं और खड़ी की होगी, भूल गए होंगे यार, मैं भूल जाता हूँ। इधर इधर की थी यार। नहीं 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 यार, यही जगह थी यार, ये वाली जगह थी गाड़ी का। चाबी भी नहीं है यार, चाबी मैं अपनी जेब में ही रखता हूँ हमेशा। ये पूछ लो यार, जरा दोस्त नहीं लगे, पूछ लें पूछ लें, वरना हम चले जाएंगे, मसला नहीं है। नहीं नहीं गाड़ी यार देखिए, मैं आपको ड्रॉप करवाऊंगा, मसला नहीं है। सो भाई टेंशन को ले रहा हूँ, फुल पसीनो पसीनो हुआ है यार। गाड़ी यहीं खड़ी की थी यार, गाड़ी यहीं। अरे कहीं और खड़ी की होगी, आप परेशान हो। और खड़ी होगी मुस्तफा यार। नहीं नहीं यार, मैं यहीं पे आया था, मुझे याद है मैंने यहीं लॉक की थी आपने। हाँ हाँ, गाड़ी लॉक की थी यार मैंने। गाड़ी को मैं दो मरतबा लॉक करता हूँ एहतियाती तौर पर। कैमरे वगैरह में देख लें, कैमरे में देख लें यार। गाड़ी तुम लेके गए हो क्या? नहीं लेके गए, बाइक पे निकले हो। सही बता यार, नहीं लेके क्या गाड़ी? गाड़ी नहीं है यहाँ पे यार। नहीं अगर कोई मजाक कर रहे हो तो बता दो। वाकई बाइक पे निकला, शोर की आवाज़ भी आ रही है। चलो सही है, ठीक है यार, ओके। समझ नहीं आ रहा यार गाड़ी किधर चली गई यार। चाबी भी नहीं है आपके पास? चाबी भी नहीं है यार, सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं रख के तो आगे पीछे देखें, आए इधर आए, हो सकता है इधर कहीं खड़ी हो। कैमरे की रिकॉर्डिंग में देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। हां कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर लें। कैमरे की रिकॉर्डिंग देखते हैं। कैमरे की रिकॉर्डिंग है आपके पास? हां यार अभी चेक करते हैं, वो देख लें। आप कैमरे की रिकॉर्डिंग तो चेक करें। बिल्कुल भी पता ना चले तुम्हें फाल भाई, आप बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दे रहे। तो भाई इसमें तो आपकी गाड़ी दिख ही नहीं रही यार। देखो ये मेरी गाड़ी है, ठीक है, उसका डाला हल्का सा दिख रहा है। हाँ, मगर ये ब्लर ब्लर बहुत हो रही है यार, ये ब्लर हो रही है, समझ नहीं आ रहा ये। और इसके बाद इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा के देखता हूँ यार क्या हुआ है। ये क्वालिटी ये रहा मैं, ये जा रहा मैं तो चला गया। हाँ, ये हम लोग तो यही थे ना, हम लोग तो देखे ना, हम लोग तो अंदर जा रहे हैं। हाँ सही, हम लोग यही थे, गाड़ी अभी तक तो खड़ी हुई है। गाड़ी का डाला नजर आ रहा है वो, गाड़ी का डाला। इसको थोड़ा जूम नहीं होगा? ये जूम हो जाएगा, एक मिनट में भी आपको दिखा। सो भाई टेंशन नहीं ले, मिल जाएगी गाड़ी। समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। सो भाई आपकी गाड़ी की लाइट, देखो गाड़ी रिवर्स आ रही है, रिवर्स आ रही है। मतलब हम लोग यहीं थे और ये क्या सीन हुआ है, समझ नहीं आ रहा यार। ये कौन है, ये कौन है, ये बंदा कौन है, ये समझ नहीं आ रहा कि ये कौन है। अच्छा खासा हेल्दी बंदा लग रहा है। रिवर्स आ रही है गाड़ी, रिवर्स आ रही है यार, ये क्या सीन। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसमें तो आप है ही नहीं कहीं। गाड़ी चली गई यार, गाड़ी तो चली गई और इतनी स्पीड से। ओए ये भाई 6:30 का टाइम आ रहा है यार, ये 6:30 का टाइम आ रहा है। ओहो यार ये बड़ी टेंशन हो गई यार, ये क्या करेंगे। सो भाई टेंशन नहीं ले, सब हो जाएगा। आपने कोई ट्रैकर श्रैकर कुछ लगाया अपनी? हाँ मैं उसको चेक करता हूँ जरा यार, गाड़ी बंद करवानी पड़ेगी यार, गाड़ी बंद करानी पड़ेगी। गाड़ी बंद हो जाती है? गाड़ी बंद हो जाती है। पर मैं उस वक्त देख लेता ना उस बंदे को, यकीन करें फाद भाई मैंने क्या करना था, सोच है यार उसकी, बच के निकल गया। मैं अभी जो है ना कॉल करता हूँ, गाड़ी बंद करा देता हूँ, वो टेंशन नहीं है यार। लेकिन जाहिर सी बात है गाड़ी चली जाती एक बंदे को जो। तो भाई अगर गाड़ी आपकी ट्रैकर से बंद हो गई फिर खुलेगी नहीं क्या गाड़ी? किसी का डैडी भी नहीं खोल सकता फिर अगर मैंने बंद करा दी तो। हाँ यार दोस्तों बात सुनो जरा, सारे के सारे मुझे इस लोकेशन पे मिलो। सही ना, गाड़ी की लोकेशन मिल गई, अभी हम लोगों ने जाना है वहाँ पे, ठीक है। जो भी है जरा उसको देख लेंगे, छोड़ना नहीं, बता देगा मुझसे वही। वो भी तुम्हें खतरनाक हो मुझसे वही, और फिर उनके पास सब कुछ है, लाइसेंस वगैरह सब कुछ है, फिर उनके पास पिस्टल भी, हमें गोली भी मार देंगे। अबे कहीं हमें ही ना अंदर डाल दे मुझसे भाई। मैं बोल रहा था आपको प्रैंक नहीं करें। मुंह तो दूर कर, बदबू आ रही है तेरे पास। तो भाई की फुल हट गई है फुल। अबे मैं तो सोच रहा था मुझसे भाई टेंशन में आ जाएंगे, फुल हरू भरू पसीने आने लग जाएंगे। उल्टा मुझसे भाई तो इतना गुस्सा में आ गया, कह रहे हैं कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अबे वो पुलिस को फोन कर रहे हैं, पुलिस को फोन कर रहे हैं वो भाई। बात भाई देख के जो करना है सोच समझ के करना है भाई, फटाफट यार। तो भाई क्या पुलिस को कॉल कर रहे हैं? अरे यार ब्लॉक तो बंद करो ना यार, ब्लॉक टेंशन चली है यहाँ पे यार, ब्लॉक कर रहे हो। अच्छा मुझे हाँ यार बताएं यार जल्दी फटाफट, ठीक है वेट करो यार। यहाँ कौन सा थाना लगता है ना ये पता करो जल्दी फटाफट। हाँ हाँ कौन सी टेरिटरी आती है ये? सही है, अभी बताओ जरा एक मिनट के अंदर मुझे। मिली क्या गाड़ी? नहीं यार गाड़ी नहीं मिली यार, लोकेशन अभी आ रही है, जैसे ही आ जाती है ना तो बस इसके बाद फिर आप कमाल देखना, आज आप मेरे साथ ही हो। सही है ना, सारा पता चल जाएगा। यहाँ पे करीब में जितनी शॉप्स हैं सबके सीसीटीवी कैमरे निकलवा रहा हूँ, ठीक है, सब पता चल जाएगा, कौन आया कौन बैठा क्या हुआ कहाँ गाड़ी रुकी, सब यूँ पता चलेगा अभी यूँ देख लेना है। हाँ हाँ छोड़ना नहीं है फाद भाई, छोड़ना नहीं है। आपके वो शॉप के थोड़ा दूर कोई कैमरा नहीं लगा हुआ? सब जगहों पे कैमरे लगे हुए, पूरा इलाके के अंदर यहाँ पे हर घर के बाहर कैमरा लगा हुआ है। 10 से 15 मिनट के अंदर आप देखो कैसी फील्डिंग की है, सब पता चल जाएगा। मुसो भाई टेंशन नहीं लें, आपकी कल तक का इंतजार करें। हाँ मुसो कल तक मिल जाएगी घर पे जाके। यार आप लोगों को क्या हो गया भाई, इतनी महंगी गाड़ी है यार, मतलब हमने दिन रात मेहनत करके कमा के जो है वो गाड़ी ली है भाई, क्या हो गया। तुम लोग क्यों इतना रिलैक्स कर रहे हो, क्यों वेट करने का बोल रहे हो भाई? अभी के अभी करेंगे जो भी करना है, छोड़ना थोड़ी है इस चीज़ को यार, हल्का थोड़ी लेना है इस चीज़ को। पंगा लिया हमसे यार। इधर मिल गई लोकेशन, तीसरी वाली गली में
आ रहा हूँ जल्दी खड़ा हो, आ जाओ फटाफट जल्दी। पागल हो गया, मैं इतना भारी हूँ कैसे उठा सकते मुझे वो। अभी 20 बंदे भी बुला लिए, आपने सुना नहीं था? आपने सुना नहीं था उन्होंने कितने सारे दोस्तों को बोला था, अपने कॉलिंग कर दी थी, फौरन जज्बाती हो गए थे वो। यार ये तो बहुत एक्सट्रीम हो गया, ये तो पुलिस स्टेशन भी चले गए। आओ जल्दी आओ, मस्तो भाई को बता देते हैं यार। ऐसा तो चल लो बहुत तरीके में। ऊपर डोगी मस्तो भाई, क्या सीन है, गाड़ी मिल गई क्या? यार लोकेशन आ गई ना गाड़ी की, दो मिनट का रास्ता, बल्कि अब एक मिनट का रह गया, ये बस आगे गली से यूं टर्न करेंगे सामने ही। ये आपके पास लोकेशन कैसे आई? बस यार पूरी फील्डिंग सेट है यार, समझ लो पता चल गया है, लोगों ने देखा भी है कौन से बंदे हैं क्या, सब पता चल जाएगा वहाँ जाके। अच्छा मस्तो भाई एक मिनट तो रुक जाए, मेरी बात तो सुने। हाँ बोलो बोलो मस्तो भाई, आप गुस्सा तो नहीं करेंगे इस चीज़ के ऊपर? पक्की बात है गुस्सा तो नहीं करेंगे? तुम लोगों पे गुस्सा क्यों करूंगा यार, लोकेशन आ गई ट्रैकर से यार। अच्छा ये कितना दूर दिखा रही है? ये रही बस 80 मीटर है, बस यहाँ से गली से सीधे आते मुड़ेंगे और सब सामने है यार। चलो चलो अभी जल्दी चलो यार, टाइम जाए नहीं। बता दें क्या? बता देते हैं, मैं तो कह रहा हूँ बहुत परेशान हो गए वो। बता देते हैं, मैं भी क्या, मेरी तो हालत ख़राब हो रही है। मुस्तफा भाई एक मिनट तो रुकें, मेरी बात तो सुने। मुस्तफा भाई पक्की बात है आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? किस चीज़ का गुस्सा यार, क्या हो गया बोलो। मुस्तफा भाई आपके साथ ना छोटा सा हमने एक प्रैंक किया था। प्रैंक किया था मतलब ना, हमने आपकी गाड़ी को छुपाया था, और ये लें आपकी गाड़ी की चाबी, ये आपकी गाड़ी की चाबी, और आपकी गाड़ी वो सामने खड़ी है उस गली के बाहर, ये जो एक मिनट का रास्ता एक मिनट का दिखा रही है ना, इधर आए मैं आपको लेके चलूँ, इधर आए, ये रही आपकी गाड़ी, ये खड़ी वो सामने रही वो रही। मतलब ये प्रैंक था मेरे साथ? आपके छोटा सा प्रैंक किया था, गुस्सा तो नहीं करें ना? तुम लोगों को लग रहा है कि जो है वो तुम लोग मेरे साथ प्रैंक करोगे और मेरी दुकान के सामने से तुम लोग मेरी रेवो ले जाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? मैंने तुम लोगों के साथ प्रैंक किया है क्या? देखो तुम लोगों को तो जो है ना मैंने नहीं छोड़ना है, सही है ना? ये जो तुम लोग जो इंटेंशन लेके आए थे ना कि मेरी गाड़ी लेके चले जाओगे, जिस वक्त तुमने मेरी चाबी उठाई थी ना उसी वक्त मुझे रिपोर्ट मिल गई थी कि भाई कुछ होने वाला है, बाहर से भी मुझे रिपोर्ट मिल गई कि मेरी गाड़ी जा रही है, लेकिन मैंने बोला चलो देखते हैं कि ये लोग कहाँ लेके जाते हैं क्या करते हैं, अब ज़रा अपनी फील्डिंग दिखाते हैं, आ जाओ, तुम लोगों को आज कहीं नहीं जाने देना। सो भाई प्लीज़, हमने आपके पास प्रैंक किया था, प्रैंक तो होता रहा है। प्लीज़ प्लीज़ नहीं, अभी पुलिस अभी प्लीज़ प्लीज़ नहीं, ये तुम लोगों के जो प्रैंक है ना बहुत हो गए, आज तुम लोगों के प्रैंक पे फुल स्टॉप लगा देना है मैंने, अभी प्लीज़ नहीं होगा, अभी सिर्फ पुलिस पुलिस होगा, बस तैयार हो जाओ। छोटा सा मजाक नहीं होता, अभी मजाक मैं करूँगा तुम लोगों के साथ, आओ ज़रा। मुस्तफा भाई कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट, मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि थोड़ा, क्या आइसक्रीम लेने के लिए आए हो क्या कि डिस्काउंट कर दूँ? डिस्काउंट करवाता हूँ ना तुम लोगों का, आओ जरा गाड़ी में बैठो ना, जरा डिस्काउंट कराते हैं तुम लोगों का आज। सुबह आज के बाद नहीं करेंगे? नहीं नहीं आज के बाद तो कर भी नहीं पाओगे ना, जरा आ जाओ बैठो गाड़ी के अंदर, आ जाओ। अच्छा बैठ रहे हैं मुस्तफा भाई, हम तो आपको इतने सालों से जानते हैं, कुछ तो ख्याल करना। तो बस ख्याल उस वक्त करना चाहिए था तुम लोगों को जब तुम लोगों ने सोचा कि मेरी गाड़ी तुम लोग उठा के लेके जा रहे हो, उस वक्त तुम लोगों ने ख्याल नहीं किया, तो अब आज मैंने भी नहीं करना ख्याल, बैठो गाड़ी के अंदर, आ जाओ। अब जो है ना मैं इन लोगों का सेटअप करता हूँ ठीक है, और दरवाजे भी लॉक करता हूँ ताकि ये लोग भागे नहीं। भाई आज जो है ना हम लोगों ने 3 चोर पकड़े, सही है, जिनको आप बोल सकते हैं कि रेवो चोरी करने के लिए आए थे, इतने अनप्रोफेशनल थे कि मतलब एक जो है ना मुंह पे रुमाल बांध के जा रहा है, एक ने टी शर्ट के साथ शलवार पहनी हुई है, और ये इनका सरदार आप देख लें, अभी शर्मिंदा होने का क्या फ़ायदा इन लोगों का? अब जो मैंने तुम लोगों के साथ करना है ना वो बस दुनिया देखेगी, अब ये इनका कैमरा भी मैंने ले लिया है, और अब जो है ना मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो है इनके सारे मोबाइल भी लेते हैं हम, सही है, और कितने दिन के लिए अब इनको अंदर करवाऊँ मैं ये सोच रहा हूँ। हाँ भाई ये हमारे बॉस ने करवाया था, हमारे बॉस नहीं, ये तो लंबा जाएगा, तो ये मैं सोच रहा हूँ इन बच्चों को भी जो है ना आज वो जरा जेल की हवा खिलवाते हैं ना, हम तो छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई की उम्र है। और तुम्हारे जो है ना दिमाग के अंदर इस तरह के खुराफाती आइडियाज कहाँ से आते हैं ये बताओ, और बच्चों को किन काम पे लगाया हुआ है यार, इनकी ये स्कूल और यूनिवर्सिटी की एज है, क्या करना चाह रहे हो यार? मुस्तफा भाई ये इसका आइडिया, इसका आइडिया था उसामा, मैंने बोला था नहीं, ये तो बड़ा वैसे भी फंडर बन रहा है, इसको मैं देख रहा हूँ आजकल वीडियोस के अंदर, अब आपको तो मैं जो है ना करता हूँ जरा, मैं एक बात बताऊँ मुस्तफा भाई, आप इसका चेहरा देखें, इसके चेहरे से लगता है ये चोर है, और मुस्तफा भाई पता है ये ना बचपन में मुर्गियाँ चुराता था, ऐसी बात है? तुम्हारा शनाख्ती कार्ड बन गया है? नहीं भी बना होगा तो मैं FIR कटवाता हूँ ना आज जरा, और इसको तो जो है ना मैं ये फहद को तो सोच रहा हूँ कि अब आप लोगों को जो है ना इसकी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी, सही है, क्योंकि साल दो साल के लिए अंदर जाने वाला है, अब तुम जेल के अंदर से बैठ के व्लॉग बनाना सारे, सही है सारा आइडिया इसका, और ये 6-6 महीने के लिए अंदर जाएंगे, ठीक है, तुम तीनों को फिट कराता हूँ आज मैं अंदर, सही है ना, गया ये चैनल, अब नहीं मिलेंगे आप लोगों को कॉन्टेंट इसके ऊपर, और ये लो पकड़ो अपना मोबाइल, पकड़ो खत्म सब। मुस्तफा भाई आप हमें लेके कहाँ जा रहे हैं इतने रश में? तो मैं लेके जा रहा हूँ VIP पॉप्सिकल पे, जहाँ पे तुमने ये कांड किया था, और वहाँ पे तुम्हें पॉप्सिकल खिलाऊंगा, पॉप्सिकल खत्म होने से पहले पहले तुम्हें जेल की हवा भी खिलाऊंगा। लेकिन मुस्तफा भाई कौन सा फ्लेवर खिलाएंगे? रास्पबेरी।
मुस्तफा भाई, लेकिन मुझे तो चॉकलेट पसंद है। चुप।